तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नितेश और आज हम लोग जाने वाले हैं बरगी डैम। तो बरगी डैम हमारे यहाँ से 35 किलोमीटर होगा और बरगी डैम वैसे मेरा घर है वहां पे। तो अभी टाइम हो गया है, पांच बज के पांच मिनट हो गए हैं अभी और बाहर पूरा पानी गिर रहा है, मतलब पानी झमझम 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 वाला पानी गिर रहा है। तो अगर पानी नहीं गिरेगा तो आपको दिखाएंगे और गिरेगा तो भी दिखाएंगे। तो वैसे अभी हमको जयंती कॉम्प्लेक्स जाना है थोड़ी गिम्बल लेने के लिए, तो उसके बाद हम आपको मिलते हैं रास्ते में या फिर कहीं पर भी जहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग होगा दिखाने को, वहां मिलते हैं। देखते रहिए हमारे साथ। अभी जयंती कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं दोस्तों। जयंती कॉम्प्लेक्स में हम लोग सोच रहे हैं गिम्बल ले ही लें आज, वैसे पानी गिर रहा है, कैमरे में भी पानी आ गया अपने। तो गाइस हम लोग जयंती कॉम्प्लेक्स पहुंच गए हैं। ये अपना आयुष भाई लखन गया है पार्किंग करने, गाड़ी पार्क करने गया है। अब देखते हैं गम्बल लेके डायरेक्ट निकलेंगे। वैसे आज हमको लगा रहा है कि रात हो जाएगी, चलते हैं फिर गम्बल लेने। दुकान में गए, पसंद नहीं आया, अब दूसरे में आ गए। अब यहाँ पे देखो सही रहता है कि नहीं रहता, भाई देख रहा है। तो माइक तो नहीं मिला गाइस हम लोग का, सीट आया लगता है हमारे में, पर गिम्बल ले लिए हैं। स्टेबिलिटी कैसी है अभी तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है गाड़ी निकाल लें फिर उसके बाद अंदर बरगी डैम के लिए भी निकलना है। अब देखो कितना टाइम निकल पाते हैं। तो अब डायरेक्ट निकलेंगे हम लोग कहाँ के लिए, बरगी डैम के लिए। तो आपको मिलते हैं रास्ते में। और बहुत ही अजीब लग रहा है, पहली बार ऐसे मार्केट में ब्लॉग कर रहे हैं, पर आदत तो डालना पड़ेगा उसके, है ना, कुछ होगा नहीं। बस कैमरे पे ध्यान, आजू बाजू कहीं देखना नहीं है, सब ब्लॉग हो जाएगा। तो हम लोगों को 6 यहीं बज गया है। अब देखो कितना टाइम लगता है हमको बरगी डैम पहुंचने में। अगर आज रात हो गई तो फिर हम वहाँ घर में रुकेंगे, फिर उसके बाद कल आपको बताएंगे क्या कैसा सीन है बरगी डैम पर। हम लोग पहुंच गए हैं एम्पायर। तो हम लोग एम्पायर साइड से जा रहे हैं, तिलवारा साइड से नहीं जा रहे हैं, इसी ये साइड मस्त लगता है इस साइड से। तो आप लोग भी जाना तो यही रूट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बरगी डैम के लिए देख ही सकते हो भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ है। जल्दी हटो वहां से हटो, उसके आगे का खालिस्तान। तो अभी अभी हमें पता चला अपने गुप्त सूत्रों के माध्यम से कि बरगी डैम के 17 गेट ओपन। तो चलो फिर मजा आएगा। अभी तो पानी ने हमारा साथ दिया है थोड़ी थोड़ी, अभी थोड़ी देर और दे दे तो ज़्यादा सही रहेगा। क्या बोलते बाबा, बाबा ये जग रहेगी तेरी आस्था।
गौर नदी बहुत ज्यादा उफान पर, ये देखो यहाँ से राइट लेना है, देख लो श्री पूरन मेडिकल दिखेगा, ये दवाइयाँ यहाँ से अंदर को जाने, ये बड़ा बोर्ड दिखेगा। ये पूरी बरगी डैम वाली भीड़ है, जब सब आ रहे हैं तब हम जा रहे हैं। चलो कोई रात का नहीं दिखाता ना माहौल, हम दिखाएंगे रात का क्या कैसा माहौल रहता है। और ये वीडियो वैसे पार्ट्स में आएगी तो आप ज़रूर फॉलो करना, एक एक दो दो दिन के टाइम पीरियड में आएगी। ये गौर है गाइस, गौर से आपको सीधे सीधे जाना है। आपको डार्क डार्क दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ी थोड़ी अंधेरा होने लगा है, तो अगर अभी हम अच्छे से नहीं दिखा पाएंगे तो हम लौटते हुए ज़रूर आपको दिखाएंगे अच्छे से, बेस्ट कतई ओपी। फिर उसके बाद कल सुबह में से वहाँ जाने का विचार हो ही रहा है, पर अगर अभी रात का भी मैं क्लिप डाल दूंगा, अभी तो मैं जाऊंगा ही डायरेक्ट, वहीं जाऊंगा बरगिन, तो अभी रात की क्लिप भी मैं दिखा दूंगा आपको। हो गया है गाइस, और अब हम आपको बरगी डैम के कितने गेट खोले हैं और इसके आगे का क्या कैसा माहौल है वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।